हमें अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लांट लगा देना चाहिए। भाई साहब, पिंकी के पापा के देहांत के बाद से तो सारा बिजनेस आप अकेले ही देखते आ रहे हैं। फिर भी आपकी राय लेना मैं जरूरी समझता हूँ। मेरी राय में तो जल्द से जल्द सूरज और पिंकी की शादी कर देनी चाहिए। राय तो मेरी भी यही है, जैसे उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है हम पार्टनर से रिश्तेदार बन जाएंगे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते आइए आइए बैठिए। कहिए कैसे तकलीफ की है? सेठ जी, तकलीफ तो हम लोग आपको बार बार देते हैं। इस बार हम बेसहारा औरतों के लिए नारी निकेतन की स्थापना करने जा रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ा नेक काम है शुक्ला जी। कल किसी को भी ऑफिस में भेजकर 1,00,000 रुपए का चेक ले जाएंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते। 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 अंकल, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आप दोनों के सामने सूरज के कारनामे सुनाकर ही दम लूंगी। पिंकी, तुम्हें तो हमेशा सूरज से शिकायत ही रहती है। अरे बहन जी, शिकायत वहीं रहती है जहाँ प्यार होता है। क्यों पिंकी? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि सूरज आजकल कॉलेज में खतरनाक ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मूवमेंट चला रहा है। ड्रग्स रैकेट? सूरज, हिम्मत है तो सामने आ, आ सामने। चिल्लाओ मत टोनी, सूरज तुम्हारे सर पर खड़ा है। अब इस कॉलेज में वही होगा जो मैं चाहूंगा। टोनी! मारपीट हो रही है, प्लीज आप देखिए। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कॉलेज के लड़कों का खाना छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पकड़ लो इन बदमाशों को। सूरज, ये क्या हंगामा हो रहा है? कौन है ये लोग? सर सर, ये कमीना कॉलेज में ड्रग्स का धंधा करता है। हमने रोकने की कोशिश की तो गुंडागर्दी पर उतर आया। ये झूठ बोलता है प्रिंसिपल साहब। कोई सबूत है इसके पास? सबूत ये दोनों है सर। साहब, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है साहब, कोई कसूर नहीं है साहब। ये टोनी है ना, ये टोनी है ना, टोनी साहब हम दोनों को मारने की धमकी देता है साहब। तेरा तो मैं हाल करूंगा कि सपने में भी ड्रग्स के धंधे के बारे में नहीं सोचेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम लोग मेरे साथ आओ गवाही देने के लिए। चलो चलो फटाफट से। वेल डन माय बॉय, वेल डन। आखिर कब समझोगे तुम हमारी शान, हमारी आन, हमारी इज्जत? कब समझोगे कि इस समाज में हमारी एक मर्यादा है, सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस है? जिनकी नजरें हमारे सामने जमीन से ऊपर नहीं उठती थी, वही हमसे आंखें मिलाकर कहते हैं कि आपका बेटा गुंडे मवालियों की तरह दंगा फसाद करता फिरता है। तब हमारा सर शर्म से झुक जाता है। मगर डैड, उसे रोकना बहुत जरूरी था। वो कमीना कॉलेज में ड्रग्स का जहर सप्लाई करता है। तुमने क्या ठेका ले रखा है? अब अगर इस तरह की बातें हमारे कानों में पड़ी तो हम तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करा देंगे। क्यों खामखा अपने बेटे को डांटते हो भाई साहब? जब मैंने ये सुना कि सूरज ने अपनी जान पर खेलकर
ड्रग बेचने वालों को गिरफ्तार करवाया है तो मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया। बहन जी, आप नहीं जानती कितने खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। यही तो मैं इसे समझाती हूँ अंकल, मगर ये मेरी सुनता ही नहीं। बेटे, अब अगर ये तुम्हारी बात न माने तो हमसे कहना, तुम्हें पूरा अधिकार है। तुम सिर्फ हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी नहीं, इस घर की होने वाली बहू भी हो। भाई साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का वक्त हो गया, चलिए। चलते हैं। पिंकी, बी कंफर्टेबल। आज से इस नालायक की बागडोर तुम्हारे हाथ में, ओके? आइए। चलिए। सुना सूरज, अंकल ने क्या कहा? आज के बाद तुम्हारी बागडोर मेरे हाथ में है। अब अगर जनाब ने मेरी नजरों से दूर होने की कोशिश की तो यूं खींच लूंगी। क्या बचपना है पिंकी, देखो मेरा मूड बिल्कुल खराब है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। तो ठीक है, मूड ठीक कर देती हूँ। अरे पिंकी, बड़ी बेशर्म हो गई है तू। गुस्सा छोड़ यार, कॉलेज तो बंद हो गए। अच्छा सुन, पिकनिक का प्रोग्राम तो पक्का है ना? नहीं। क्या? एक तो तेरे लिए मैंने प्रोग्राम बनाया और तू कहता है कि नहीं जाएगा। रुक जा, अंकल से कहती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं चलता है। अच्छा बाबा चलता हूँ, कम से कम बार बार डैडी की धमकी तो मत दिया कर। इसी से तो तू रास्ते पे आता है। अच्छा, पिकनिक का प्रोग्राम पक्का? भी पक्का मेरी माँ। देख रहे हो उन तितलियों को? तितली नहीं है, परी। बोल परी। परी? कौन सी परी? वो सफेद ड्रेस में देख रहा है। हाँ गुरु, बाकी पटाखा है पटाखा, लेकिन पटाखा दिखाओ तो जानू। दोस्त, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने भी हार कभी नहीं मानी। मेरा नाम सूरज है, जिस किसी पर पड़ता हूं ना पहला कर ही छोड़ता हूं। कितना खुश नसीब है ये गुलाब जो आपके इतना करीब है। काश मैं भी एक गुलाब होता। इजाजत हो तो एक फूल मैं भी लगा दूं। सूरज देखी है आईने में? वो तो रोज ही देखता हूं मैडम, लेकिन उसमें आप ही की शक्ल नजर आती है। आज के बाद मेरी सूरत नहीं, सिर्फ उंगलियों के निशान नजर आएंगे। मैडम, इतने खूबसूरत हाथ थप्पड़ मारने के लिए नहीं बल्कि चूमने के लिए होते हैं। यू इडियट।
सपनों की रानी क्यों मुझको तड़पाती है, जाने तमन्ना ऐसी अदास दिल मेरा धड़काती है। लड़की दीवानी सपनों की रानी पड़ा हूँ कब से खड़ा हूँ, क्यों मेरी जान जलाती है, इस दिल भर पे जख्मी जिगर पे नजरों से तीर चलाती है। छोड़ो ना। अरे पीछे पड़ा हूँ कब से खड़ा हूँ, क्यों मेरी जान जलाती है, इस दिल भर पे जख्मी जिगर पे नजरों से तीर हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है कड़क सिंह। क्यों बे शक्ति कपूर की औलाद, छोकरिया को छेड़े दो। वो भी कड़क सिंह और हवलदार नरम सिंह के सामने। ले चल ससरा के थनवा में, वहाँ जाके मजा चखाई। अब बेटा वहाँ चल, ऐसे पड़ेंगी ऐसे पड़ेंगी कि लड़की को छेड़ना भूल जाओगे। लेकिन भाई साहब, मैं लड़की को कहाँ छेड़ रहा हूँ? ये तो और भी बुरी बात है। तुम जवान पट्टे हो, अगर लड़की को नहीं छेड़ोगे तो हर धंधा मंदा हो जाएगा। नरम सिंह भूल हो गई सा। देखो प्यारे, कत्ल कर दो, डाका डाल दो, पर लड़की को छेड़ने का 1000 पड़ता है। तुम अच्छे हो, शक्ल से शरीफ हो, 600 में फैसला करते हो? भाई साहब 600 तो नहीं है, 300 में फैसला कर लो। ससुरा मोल मुलाई करते हैं, ले चल इका थनवा मा। देखिए हवलदार साहब, ये मुझे छेड़ नहीं रहे थे, हम दोनों दोस्त हैं और यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, वी आर फ्रेंड्स। तो और बुरी बात है, माल आ रहा था, माल से चला गया कड़क सिंह, मुहूर्त ही खराब है। कहाँ चला? थैंक यू। अगर इससे तुम ये समझने लगे हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो तुम ठीक समझते हो। क्या? किरण, किरण मेरी बात तो सुनो। मैं कल शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात भर मैं सो नहीं सका किरण, हर पल तुम्हारा ही ख्याल दामन थामे हुए था, आंखों में बस तुम ही तुम थी। इतना प्यार है मुझसे? ये पूछना है तो मेरे दिल की धड़कनों से पूछो, जो रात भर तुम्हारे नाम की धुन गुनगुनाती रही है। मेरा भी यही हाल है, जब तक तुम मेरे जीवन में नहीं आए थे सूरज, मैं सिर्फ नाम की किरण थी, तुम्हारे प्यार ने उसमें रोशनी भर दी। सच किरण,
मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नसीब हम दोनों को एक दूसरे के इतना करीब ले आएगा। अब तो तुम ही मेरी मोहब्बत हो और तुम ही मेरा नसीब हो। हाँ, तो ठीक है, लगता है हमारी तरह किसी प्यार करने वाले ने लिखा होगा। मगर ये कौन सी मैथमेटिक्स है? तुम नहीं जानती? अरे वेरी सिंपल, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक तुम और एक मैं, हाँ? अब अगर हम दोनों मिल जाएं, तो क्या हो जाता है? वन। करेक्ट, इसका मतलब है 1+1=2। वन। फैंटास्टिक, दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ लव। इतने दिन कैसे बीत गए किरण, कुछ पता ही नहीं चला। कब सुबह होती है, कब शाम। शाम? हाँ? ओ माय गॉड, क्या हुआ? बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? देर से पहुंचूंगी तो मैट्रन डांटेगी, कल फिर आऊंगी। और तब तक मैं कैसे रह पाऊंगा? मेरे प्यार की इस खुशबू के साथ। तो गुरु, तुमने इसे पटाई लिया, वाकई उस्ताद हो यार। नहीं दोस्त, ये उस्तादी नहीं, ये सच्चा प्यार है। दरअसल मैं उसे अपने दिल की गहराइयों से चाहने लगा हूं यार। लेकिन तुम्हारी शादी तो पिंकी के साथ होने वाली है यार। वो तो डैडी की जबरदस्ती है। किरण को मिलने के बाद मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। एक मैं और एक तू, दोनों मिले एक हुए। दीवानों का ये हाल है तो दिल का क्या होगा? कौन है वो जिसने 1+1 का ये हिसाब सिखाया है? उसका नाम सूरज है, बॉम्बे से कॉलेज टूर पर आया है। ओहो, तो बम्बई का बाबू है। जरा संभल कर रहे ना, बम्बई के लड़के गले एक लड़के से लगते हैं, देखते दूसरी की तरफ और सोचते हैं तीसरी के बारे में। सब एक जैसे नहीं होते, मुझे सूरज पर पूरा यकीन है। दुनिया बदल सकती है लेकिन सूरज कभी नहीं बदल सकता। किरण, किरण, ये किरण कौन है? किरण? हाँ? किरण यानी कि तुम? मैं? हाँ बाबा, मैं सूरज और तुम मेरी किरण। हाँ वो तो है, तुम सूरज और मैं तुम्हारी किरण। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं इंतजार। इंतजार किसका? तुम्हारा। तुम्हें कैसे मालूम तुम यहाँ? ये लो पागल, दिल को दिल से राह होती है ना। ओ तो ये कहना था ना। किसके लिए है? मेरे लिए ना। नेचुरली तुम्हारे लिए। तो फिर मेरे बालों में लगाओ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ कैसे नहीं, तुम्हें हम न जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ प्यार की जोश लड़ा रहे हो। चलते हैं चलते हैं, हम सब जा रहे हैं लव स्पॉट पर, तुम भी अपने दोस्तों को लेकर वहीं पे पहुंच जाना, ठीक है? ओके, बाय बाय। बाय। किरण, किरण मेरी बात तो सुनो। किरण रुक जाओ, किरण, किरण, किरण छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। किरण मेरी बात तो सुनो। अब भी कुछ सुनने को बाकी रह गया है क्या? तुम्हारे झूठे प्यार का पर्दा उठ चुका है, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है,
बेवफाई की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। I hate you, I hate you. Thank you.
किरण जी कहाँ है? किरण, उसके घर से टेलीग्राम आया था, वो सुबह की बस से चंदनपुर चली गई। चंदनपुर? सुनिए जी, आपका नाम सूरज है? हाँ। किरण ने आपके लिए लेटर दिया था। थैंक यू। इट्स ओके। किरण, इसे वापस लौटाकर तुमने मेरे प्यार की सच्चाई पर शक किया है और मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करके ही रहूंगा। बस बेटे, अब तो एक ही इच्छा है, अपनी लाडली के हाथ पीले होते हुए देख सकूं। पता नहीं बेटे, मौत इतना वक्त देती है कि नहीं। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, तू ही तो मेरी एक जीने की आस है, वरना जिंदगी में रखा ही क्या है। तेरी मां के देहांत के बाद मैंने तुझे मां बाप दोनों का प्यार दिया है बेटे। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सच है बेटे कि आजकल घर के हालात ठीक नहीं हैं, मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है। फिर भी मुझे ये खुशी है बेटे कि तू पढ़ लिख गई है। बस जिंदगी में एक भूल हो गई बेटे, जो तेरे लिए सौतेली माँ ले आया। बेटी किरण, आई माँ। आओ बेटी आओ। भैया पूछ रहे हैं, आखिर क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो मैंने कल ही सुना दिया था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फैसले आखिरी होते हैं मामा जी। मैं मर जाऊंगी मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। आइंदा अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर करने की कोशिश की तो मैं मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा लूंगी, समझे आप? सोचती क्या हो किरण, क्या माँ बाप अपनी औलाद को इसलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि वक्त आने पर वो अपने फर्ज से मुंह मोड़ ले? क्या सिर्फ 50,000 जैसी मामूली रकम के लिए तुम्हारा बाप एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ दे? क्या कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने के लिए तुम इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? एक तरफ तुम्हारे बाप की सशक्ति मौत है और दूसरी तरफ जिंदगी। फैसला करो, तुम्हें बाप की मौत चाहिए या जिंदगी? मौत या जिंदगी? मौत या जिंदगी? मौत या जिंदगी? माँ, बेटी, मामा जी से कहिए रुपयों का बंदोबस्त करें, बाबूजी का इलाज जरूर होगा। क्यों, देखा आ गई ना लड़की जाल में? मैं तो पहले ही कहता था शरीफ लड़कियां इतनी आसानी से मानती तो है नहीं, इसलिए मैंने टीबी की बजाय कैंसर जैसी खतरनाक किस्म की बीमारी की रिपोर्ट बनवाई। अरे तुम्हारे तो दिमाग का जवाब नहीं। जवाब तो तब देखना जब हमारे हाथों में 50,000 के करारे करारे नोट आएंगे। हाय दैया, 50,000? 50,000 हैं, गिन लो। इसमें गिनने की क्या बात है मैनेजर साहब, दो नंबर के सारे धंधे
एक नंबर के होते हैं। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। जग्गू जी, इसे पूनम के कमरे में ले जाओ जी। कह देना कि नहीं है और यहाँ के सारे नियम समझा दे। डरो मत रानी, मुझे तेजा कहते हैं। यहाँ के सारे फूल मेरे इस कांटे की छाया में रहते हैं। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरे धंधे को कोई भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूंगा, और वो भी खरचुट्टा स्टाइल में, समझे? ले जाओ इसको। चला पूनम जी, इसे राजबाबू ने भेजा है। अच्छा तू जा। ठीक है। क्या नाम है तेरा? किरण। बड़े प्यार से माँ बाप ने नाम रखा होगा। किरण, सोचा होगा जहां जाएगी बेटी उजाला कर देगी, मगर किसे मालूम किरण के मुकद्दर में अंधेरा भी हो सकता है। चला मेरे साथ आ, चल। Excuse me, जी? भाई साहब, किरण त्रिवेदी का घर कौन सा है? वो सामने। कौन? जी मैं किरण का दोस्त हूं, मगर आप? मैं मैं उसका बदनसीब बाप हूं बेटे। किरण कहां है? उसे उसे उसकी सौतेली माँ और मामा ने धूल महल में बेच दिया और मुझे साल में छोड़ के न जाने कहां चले गए। अरे बाबूजी, 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 आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, आपको फौरन अस्पताल ले जाना होगा। आइए अंकल। हाँ आओ आओ। पिंकी बेटे थोड़ा नाश्ता कर लो। मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं, आपसे झगड़ा करने आई हूँ। तब तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद मुझे झगड़ा करने वाले अच्छे लगते हैं। आप भी कैसे डैड हैं अंकल, जो अपने बेटे की कुछ खबर ही नहीं रखते। पता है कितने दिनों से लड़ सब गायब है? बेटे तुम तो उसकी आदत जानती हो, बिना बताए घर से गायब हो जाता है, और जब सैर सपाटे से उसका दिल भर जाता है तब वापस आ जाता है। पर तुम फिक्र मत करो, अब की बार आ जाए ना तो तुम दोनों की शादी करवा देंगे। अब तो खुश? किरण, मुझसे ये नहीं होगा दीदी, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी दीदी, नहीं कर पाऊंगी। रो मत किरण, तेरे आंसू तकदीर का लिखा नहीं मिटा सकते। यहाँ आके हर लड़की को हालात से समझौता करना ही पड़ता है। क्या क्या सपने सजाए थे इन आँखों में दीदी। पगली, पहली बात तो ये है कि गरीब की लड़की को सपने सजाने का कोई अधिकार नहीं, और अगर सजा भी लिए तो उन्हें टूटते हुए देखने को तैयार रहना चाहिए। काश इससे पहले मुझे मौत आ जाती। तू क्या समझती है हम सब यहाँ जिंदा हैं? नहीं, लाश से भी बदतर है हमारी जिंदगी, क्योंकि लाश तो चिता पर जलकर भी मुक्ति पा जाती है, लेकिन हमें हमें तो वो भी नहीं मिलती। हर रात फूलों की सेज पर जलती हैं हम, न जी पाती हैं न मर पाती हैं। आंसू पोछ लो किरण, यहाँ रोने वाली लड़कियों से कस्टमर नाराज हो जाता है। और कस्टमर के नाराज होने का मतलब है पीठ पर जालिम तेजा के हंटरों के निशान। हरामजादे, ग्राहक को नाराज करती है? उठ, यहाँ धंधा होता है, नखरा नहीं। आइंदा अगर शिकायत मिली ना तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा, समझे? बस ग्राहकों के आने का टाइम हो गया। ले जाओ इसको।
तुम्हारे यहाँ लड़कियों को तो जवाब ही नहीं, एक से बढ़कर एक है। लड़कियाँ नहीं सेठ जी, फूल कहिए फूल। इनमें से जो भी फूल हमारे ग्राहकों के नसीब में आता है वो अपनी पूरी खुशबू लुटाता है। जानते हैं भाई, इसीलिए तो हमें आते हैं, आज तक शिकायत का मौका ही नहीं मिला। अयो, पर हमको तो शिकायत है ना जी। शिकायत किस बात की? अयो तुम तैयार करेगा जी, तो मेरे को बगैर फूल इसमें घर जाना पड़ेगा जी। खोल दो राजबाबू। ये लीजिए सेठ जी। जाइए उठाइए फूल। अयो ब्यूटीफुल है। अरे जल्दी चलो जी। तू ना मेरे को आग मारा, मेरा दिल हो गया पारा पारा, मैं तेरे को खिलाऊंगा छुआरा, आज मेरा सारा माल तुम्हारा, एक बार आना। आज तो बहनी बहुत अच्छी हुई है राजबाबू। हेलो यंग मैन, नए लगते हो, बोलो क्या चाहिए। किरण, ओए बबुआ, यहाँ ना चंदा की चांदनी मिलेगी और ना ही सूरज की किरण, यहाँ पर तो सिर्फ फूल मिलेंगे फूल, चंपा चमेली गुलाब सूरजमुखी, बोलो कौन सा फूल चाहिए। देखो मैं जानता हूँ किरण यही है, वो रही उसकी तस्वीर। देखो मिस्टर, जिसे तुम किरण कह रहे हो ना, वो हमारे यहाँ थाली में रखा हुआ एक फूल है। अच्छे ग्राहक की तरह अपने पसंद का फूल चुन लो, 10,000 रुपए रखो और कमरे में चले जाओ, आगे तुम्हारी किस्मत। देखो अगर तुम लोगों ने मुझे किरण से मिलने नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। ओए बबुआ, पुलिस की धमकी किसी और को देना, क्योंकि पुलिस हमारे पॉकेट में रहती है, ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की ना उसे चेन छोटा कर दूंगा घर चुट्टा स्टाइल में। का देखो मिस्टर, ये बचपना छोड़ो और जाकर फूल चुन लो। जा जग्गू जी, इसे गुलाब के कमरे में ले जाओ। वाकई दोस्त, तुम्हारी किस्मत आज जोरों पर है, अब तुम अखी रात खुशबू लूटना, क्योंकि जिससे मिलने आए हो ना गुलाब उसी का नाम है, शेलो गुलाब। हाय क्या ये किरण का कमरा है दोस्त? ये लो। थैंक यू किरण। तुम यहाँ? अब समझी, तुम जैसे लोग यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? तुम तो हो ही वो आवारा भवरे जो कलियों की तलाश में किसी भी गंदगी में पहुँच सकते हैं। मुझे इस रूप में देखकर तुम्हें यकीनन बहुत खुशी हुई होगी कि जिसे पाने के लिए तुमने प्यार और मोहब्बत का नाटक रचा था, आज सिर्फ चंद खनकते सिक्कों के बदले जैसे चाहो उसके जिस्म से खिलवाड़ कर सकते हो। किरण, ये क्या कह रही हो तुम? मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जैसा तुम समझ रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरा ये प्यार ही मुझे यहां खींच कर लाया है। और एक और बात सुनो, तुमने अपने पिताजी को बचाने के लिए जो कुर्बानी दी है ना, वो सब बेकार गई है, क्योंकि तुम्हारी मां और तुम्हारे मामा ने तुम्हारी इस कुर्बानी के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें बेचने के बाद वो तुम्हारे पिताजी को मरता हुआ छोड़ न जाने कहां भाग गए। नहीं, ये झूठ है। लेकिन सच यही है किरण, अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे घर पहुंच के तुम्हारे पिताजी को अस्पताल में दाखिल नहीं करा देता तो शायद वो दम तोड़ देते। तुम सच कह रहे हो? झूठा तो मैं उस दिन भी नहीं था जब तुमने मेरे प्यार को फरेब समझा, और नहीं आज, यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें हकीकत नजर आ जाएगी। सूरज, अनजाने में मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, हो सके
तो मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर। शर्त? अगर तुम एक बार फिर से कह दो के मिस्टर, अगर तुम समझते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम ठीक समझते हो।
चंपा बच गया। अरे अभी कहाँ, धंधा बंद होने में 10 मिनट बाकी हैं। कोई ना कोई भंवरा तो आ ही जाएगा। अगर नहीं आया बस तो पूनम बच जाएगी। उसकी ऐसी तकदीर कहाँ। राज बाबू अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुर्सी संभाल लेता हूँ। तुम ही गाहक बनके चंपा को उठा लो और ऐश करो। तेजा एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब दलाल ग्राहक बनने की कोशिश करता है तो ना दलाल रहता है और ना ग्राहक। क्या दिल लगी है पूनम? दिल लगी नहीं राज, दिल की लगी कहो। पूनम मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो। तो फिर कहाँ जाऊँ राज, एक तुम ही तो हो जिसके सीने पर सर रखकर मैं दुनिया के सारे गम भुला सकती हूँ। और फिर बड़ी मुश्किल से तो ये रात मिली है जिसे हम अपनी मर्जी से गुजार सके। कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मैं अपनी कहूँ, और ये ढलती हुई हसीन रात सुबह की चादर में अपना मुंह छुपा ले। पागल मत बनो पूनम, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर साहब जी को पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। अच्छा? और तुम तो जानती हो यहाँ प्यार करने की सजा मौत होती है, मौत। Come on now. पूनम मौत का डर अपने दिल से निकाल कर मुझे अपने सीने से लगा लो राज, और उन रातों के जख्मों पर मरहम लगा दो जो मैंने कांटों पे गुजारी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पूनम, देखो देखो साहब जी के एहसानों तले मैं दबा हुआ हूँ। तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? पूनम हा? हम पिंजरे में कैद वो पंछी हैं जो खुलकर पर भी नहीं फड़फड़ा सकते। यहाँ हमारे सपनों को जिंदगी मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन है पूनम। राज अगर तकदीर में यही है कि हर रात भेड़िए मेरे बदन को नोचते रहे और तुम हर रात अपने बिस्तर में करवटे बदलते रहो तो यही सही। फाइन फाइन ओके। इधर उधर भटकने से क्या फायदा रानी, अगर खाली रात काटे नहीं कटती तो मैं काट देता हूँ। रात काटनी है तो अपनी माँ के साथ जाके काट, समझा बास्टर्ड। जाऊं किरण, लेकिन मैं शाम को फिर आऊंगा और मैं यहां तब तक आता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल नहीं ले जाता। सूरज तुमसे मिलने के बाद मैं फिर से सपने देखने लग गई हूँ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जाने का वक्त हो गया दोस्त। अच्छा किरण, मैं जाऊँ? मैं इंतजार करूंगी। सूरज अपना ख्याल रखो किरण। I love you. I really love you. रोली किरण, आज तेरे रोने का दिन है। नहीं दीदी नहीं, ये वो आंसू नहीं है जो आप समझ रही हैं। क्या मतलब? बर्बाद होने से पहले ही भगवान ने मेरे पास सूरज को भेज दिया। सूरज? हाँ दीदी, जिसे सबने ग्राहक समझा था वो मेरी आबरू का रक्षक है। उसने ना सिर्फ मेरे बाबूजी की जान बचाई
बल्कि मुझे प्यार की वो दौलत दी जो सिर्फ नसीब वालों को ही मिल सकती है। दीदी, अब अगर मेरी इज्जत पर जरा सी भी आंच आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं किरण, नहीं, ऐसा मत कहो। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। एक बात है यार, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाचा की नमाज नहीं छूटती। ठीक कहते हो यार, चाचा बड़े नेक आदमी। सुनिए, फूल महल चलोगे? फूल महल? मगर उस रास्ते पर तो दंगा हो रहा है बेटा, आज तो वहां पहुंचना नामुमकिन है। वहां तो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। पता नहीं नफरत का एक खेल कब खत्म होगा। चाचा, कोई भी टैक्सी ड्राइवर फूल महल जाने के लिए तैयार नहीं है, मगर मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि अगर आज तुम नहीं जाओगे तो आसमान टूट पड़ेगा? अब मैं आपको कैसे समझाऊं, एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है। अगर मैं शाम को 6 बजे तक फूल महल नहीं पहुंचा तो उस बेचारी की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं उसे बचाना चाहता हूं चाचा, मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए चाचा। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन ठीक है, कोशिश करता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का मतलब होता है खुदा का बंदा, और मैं खुदा के बंदों की मदद करना अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। बैठो। चलिए। अब क्या होगा चाचा? आग को पानी और पत्थर को मोम बना देते हैं, हौसले वाले हर दीवार को गिरा देते हैं। या अली, तुम्हारी मंजिल। ये लो पैसे। इसकी जरूरत नहीं बच्चे, अल्लाह तुम्हारा निगेबान है। या खुदा, इसकी मदद करना। वाह सेठ, क्या फूल पसंद किया है। वन मिनट। संडे मोगरा मंडे चमेली। टुडे इज नॉट गुलाब डे, टुडे इज चंपा डे। गुलाब? ये क्या कर रही हो आप? कि
किरण कहाँ है? तुम कौन हो? मैं सूरज हूँ, मगर गुलाब तो किरण का नाम है। अच्छा, तो तुम ही हो किरण के सूरज? जी हाँ। सूरज, यहाँ का एक उसूल है, हर रोज फूलों के नाम पर लड़कियाँ बदल दी जाती हैं। लड़कियाँ बदल दी जाती हैं? मगर क्यों? ताकि कोई भी कस्टमर बार बार एक ही लड़की के पास जाकर प्यार मोहब्बत का नाटक न रचाए और उस लड़की के दिल में यहाँ से चले जाने का इरादा न पैदा कर दे। तो फिर इसका मतलब है कि आज किरण को किसी और फूल के नाम से पहचाना जाएगा। प्लीज मुझे उसके फूल का नाम बता दीजिए, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है कि जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। प्लीज। डरो मत, आज किरण के नाम का कोई फूल नहीं है। कोई फूल नहीं? भगवान ने हर औरत को महीने में 4 दिन ऐसे दिए हैं जब मर्द उसके पास भटक भी नहीं सकता। यानी कि मेरी किरण? हाँ, 4 दिन तक तो सुरक्षित है, मगर उसके बाद कुछ नहीं कह सकती। कौन वहशी उसकी पवित्रता पर दाग लगा जाए? वो नौबत आने से पहले ही मैं किरण को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है सूरज। प्यार करने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं, बस मौके का इंतजार है। अगर वो मौका मैं तुम्हें दूं तो? आप? मैं? तो फिर मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो फिर कल रात 2 बजे मंदिर के पास किरण का इंतजार करना। ओके? सच दीदी? दीदी? हाँ, अगर मेरी कोई बहन होती ना तो वो बिल्कुल आपकी तरह होती। तुमने मेरे कांधे पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया है। अब अगर तुम दोनों को मिलाने के लिए मुझे सारी दुनिया से टकराना पड़े ना, तो मैं टकरा जाऊंगी। सर, बैंक से सिन्हा। कहिए मैनेजर साहब। सूरज ने फिर 50,000 ड्रॉ किया है। क्या? जी। सूरज ने बैंक में से 50,000 रुपया ड्रॉ किया है? जी। नाउ दिस इज टू मच। देखिए, आगे से उसका एक भी चेक आप पास मत कीजिएगा। हाँ बेटा, गाड़ी तैयार हो गई। उन्हें कर देना चाचा। अच्छा, सलाम वालेकुम चाचा। अरे वालेकुम सलाम, सब खैरियत तो है? जी चाचा। चाचा, वो कल जिसे आपने बर्बादी से बचाने में मेरी मदद की थी, मैं उसे फूल महल की दलदल से हमेशा के लिए निकालना चाहता हूँ। बड़ा नेक ख्याल है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे। कभी आधी रात को मेरी जरूरत पड़ जाए तो बेझिझक चले आना। अरे भाई, दो चाय तो देना। चाचा सलाम। चाचा वालेकुम। चाचा, मैं आज रात को ही उसे इस दलदल से निकालना चाहता हूँ और मुझे आपके मदद की जरूरत है। सर, आंखों पर, ये अब्दुल्ला तेरे साथ है। जाए भी जाए। थैंक यू। जाओ किरण, जितनी जल्दी हो सके इन भेड़ियों के जंगल से दूर निकल जाओ। दीदी, कितना अच्छा होता अगर तुम भी यहाँ से चलती। सबकी तकदीर एक सी नहीं होती किरण। तुम्हारा प्यार इस नर्क के उस तरफ है और मेरा प्यार इसी नर्क में। जाओ किरण, तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। भगवान तेरी रक्षा करे किरण, जाओ। वाह चिड़िया, क्या उड़ान है। क्यों छिनाल, राज बाबू शहर गए हैं तो मौके का फायदा उठाती है। मगर ये मत भूल कि तेजा के होते हुए मजा ले एक भी चिड़िया यहां से उड़ जाए। खबरदार तेजा, अगर तुमने किरण को आज रोकने की कोशिश की तो ये पूनम तुम सब पर अमावस की रात बनकर छा जाएगी, समझे? चुप रहन, ज्यादा जबान चलाई तो मैं तेरी ये रात मौत की रात बना के रख दूंगा। अरे जा जा, हमारी दलाली पे पलने वाले भड़वे हमें क्या मौत की धमकी दे रहा है? हा? हम तो खुद हर रात कफन में करवटें लेते हैं। कफन तो मैं तुझे पहनाऊंगा, पकड़ लो इसे। कोशिश की तो एक एक को काट के रख दूंगी।
पहनने का बड़ा शौक है ना, तुझे ऊपर से तो क्या नीचे से भी छेन छोटा कर दूंगा खरचुट्टा स्टाइल में। ले जा हरामजादी को। किरण, सूरज, किरण तुम ठीक कहो ना? सूरज जल्दी से यहाँ से निकल चलो, तेजा ने मुझे भागते हुए देख लिया है। चाचा, चाचा यही किरण है। तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चों, कश्तियां सबके किनारे पर पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। आओ मेरे साथ, तुम लोगों को झील के किनारे पहुंचा देता हूं, वहां से तुम उस पार चले जाना। आओ मेरे साथ। चलो। लगता है वो लोग आ गए। उस टैक्सी का पीछा करो। जल्दी चलो। और तेज। चाचा नजदीक आ रहे हैं वो। रुको गाड़ी, वापस लो। लोनिया को बस इसमें तो कोई भी नहीं है। चल निकल। बोल बे हरामजादे, कहां छोड़कर आ रहा उन दोनों को? खुदा पर यकीन है इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सच भी नहीं बताऊंगा क्योंकि दो मासूम जिंदगियों का सवाल है। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है बुड्ढे, अगर अपनी जान की अमान चाहता है तुम दोनों का पता बता दे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम तो छोड़ दोगे, लेकिन मरने के बाद जब खुदा के दरबार में पहुंचूंगा तो वो कैसे छोड़ेगा? जवाब पूछेगा जवाब कि मौत के डर से दो मासूम जिंदगियों को दांव पर क्यों लगा दिया। देख बुड्ढे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से उनका पता बता दे, वरना वरना क्या कर लेगा तू? मेरा सर कलम कर देगा? इससे ज्यादा तेरी औकात ही क्या है? मगर याद रख, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन लो मौत का मजा चखना ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौत पर जमाना अफसोस करता है, और कुछ तुझ जैसे जलील होते हैं जिनकी मौत पर कुत्ते भी रोना गवारा नहीं करते। हरामजादे! खंजरों से खेलने वाले, एक दिन यही खंजर तलवार बनकर तेरे सीने के पार होगा। अल्लाह फजर की आसान लगता, मस्जिद कहीं पास में ही है। चल अब्दुल्ला, नमाज तो पढ़नी ही है। मरद, आज तक मेरी अनवाज कभी कजा नहीं हुई,
ये आखिरी नमाज अदा करने में मेरी मदद कर, मुझे मोहलत दे। टके में बिकने वाली छिनाल लड़की को भगाकर धंधा खराब करती है। एक मासूम को इस नरक से निकालकर जो सुख मुझे मिला है ना तेजा, उसे तेरे हंटर के घाव कभी कम नहीं कर सकते, समझा? ओह, देखता हूँ तेरी जवानी का उबाल कब तक इस हंटर की मार सहता है। बस बहुत हो गया, मेरे होते हुए ये जुल्म नहीं हो सकता, समझे? राज बाबू, धंधे का हिसाब किताब रखना तुम्हारा काम है, गड़बड़ करने वाले का हिसाब करना तेजा का काम है। आज तो इस कमीनी के पर कतर के ही रहूंगा मैं। खबरदार तेजा, अगर अब तूने पूनम पर हाथ उठाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बुआ, ये गिदड़ भपकी किसी और को देना, मैं जानता हूं कि तेरा इस छोकरिया से टांका भिड़ा है, मगर आइंदा तूने बीच में आने की जिद्दत की तो मैं तुझे ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूंगा, खरचुट्टा स्टाइल में। का इससे पहले मैं तेरे होश ठिकाने लगा दूंगा। चलो तेजा, साला पूनम को मारता है। हरामजादे, मेरी पूनम को मारता है। पूनम, राज, तुम्हारी प्यार की ठंडी आंख को ज्वाला बनते हुए देखकर आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ पूनम, हमेशा। लेकिन साहब जी के एहसानों की बेड़ियां मुझे तुम्हारे पास आने से रोका करती थी, और आज मैंने वो सारी बेड़ियां तोड़ दी मैंने। बस यही सुनने के लिए मैं हर रोज मर मर के जी रही हूँ राज। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। हाँ राज। नहीं पूनम, नहीं, अब मौत की बातें मत करो, जिंदगी की बातें करो। अब तुम्हें यूं घुट घुट कर जीना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे सारे सपने साकार कर दूंगा। सच राज? हाँ, हमारा एक घर होगा, एक संसार होगा, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता पूनम, कोई जुदा नहीं कर सकता। राज, राज। साहब जी, दो बुरी खबरें हैं। पहली ये कि वो नई लड़की अपने यार के साथ भाग गई है, और दूसरी ये कि राज और पूनम ने दोनों की भागने में मदद की है। आप कहें तो मैं राज को ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूं, खरचुट्टा साइमा। नहीं, मेरे आने का इंतजार करो। ठीक है। नहीं, अब नहीं हम तुम्हारे साहब जी हैं, और ना ही तुम हमारे वफादार राज। मैं समझा नहीं साहब जी।
मैं समझाता हूँ बबुआ, हरामजादे प्यार मोहब्बत का नाटक करता है, बस लीला रचाता है। छोड़ो, छोड़ो साले। साले माँ के टने, कहता था अगर दलाल गाहक बनेगा तो ना दलाल रहेगा ना गाहक, मगर तू तो गाहक ही नहीं, तू तो आशिक बन बैठा, मगर तेजा आशिकी का भूत उतारना अच्छी तरह जानता है। बस तेजा बस, पूनम के बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अबे जा! नहीं, 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 राज को मत मारो, कसूर राज का नहीं, कसूर मेरा है, मैंने मैंने किरण को भगाया था। नहीं पूनम नहीं। हाँ, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। अच्छा, तो तू ही है सारे फसाद की जड़, तेरी वजह से पहली बार यहाँ से एक लड़की फरार हुई और मेरा वफादार आदमी गद्दारी पर उतर आया। तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा जिसकी दहशत बरसों तक यहाँ पर छाई रहेगी। पकड़ लो इन्हें। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, तूने मेरी जिंदगी है साहब जी। तो जिंदगी को मौत में बदलते हुए देख। नहीं साहब जी, राज, हम खुश हुए कि हमारे खिलाए हुए नमक ने तुम्हारे खून में इतनी गर्मी पैदा कर दी कि तुम अपने मालिक पर हाथ उठाने के काबिल हो गए, मगर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि खून में इतनी गर्मी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। राज, मैं तुम्हारे सपनों को जिंदगी देना चाहता था, लेकिन नहीं। लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना पूनम। तेरी सजा मौत नहीं, अब तुझे जिंदा रहना है, उस मौत के इंतजार में जो तिल तिल करके तेरी तरफ बढ़ेगी और तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। ये शराफत का धंधा तुझे रास नहीं आया ना, जाओ उसको फेंक दो बब्बर और उसके भूखे कुत्तों के आगे। तूने मेरे राज को नहीं, मेरे प्यार को मारा है। कसम शमशान की, बब्बर की दहशत से कब्र के मुर्दे भी कांप उठते हैं। नो चारों इसके बदन का एक टुकड़ा। नहीं, छोड़ो इसे। और चांबर में क्या फर्क होता है? छोड़ो मुझे। आओ किरण। बाबूजी। किरण, तू आगे बैठे। हाँ। कैसे हैं बाबूजी? अच्छा हूँ बेटे। बेटे, तुमने जो मुझ पे उपकार किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, एक उपकार और कर दो बेटे, मेरी बेटी किरण को अपना लो। ये तो मेरा सौभाग्य होगा बाबूजी, बस आप पहले अच्छे हो जाइए। बेटे, डॉक्टर की राय के मुताबिक 2-3 महीने मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, कहीं जाने आने की सख्त मनाही है। बाबूजी, आप यहाँ आराम से रहिए, मैंने सब इंतजाम करके रखा है। मगर बेटे,
इतने दिनों तक तुम दोनों बिना शादी के साथ साथ रहोगे तो समाज वाले क्या कहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं बेटे तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। सर हम दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। स्कूल सर्टिफिकेट या बाहर से ले आए आप लोग? वो तो नहीं है हमारे पास। फिर हमको कैसे पता चलेगा आपको उम्र का? सर मैं 22 साल का हूं और ये 18 साल की। मगर उसको प्रूफ तो आप लोग के पास नहीं है। इसके अलावा मैरिज डेट पे दो विटनेस भी चाहिए। वो भी नहीं है। सॉरी आई कांट हेल्प यू। पंचांग के अनुसार तुम दोनों के लग्न का अभी योग नहीं है, कुछ दिन रुकना पड़ेगा। पंडित जी अब हम ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, छोड़िए पंचांग वंचांग, हमारी शादी करवा दीजिए। देखो बेटा तुम लोग ठहरे नए युग के लोग, शायद मेरी बातों का विश्वास ना हो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अगर ग्रहमान योग ना हो तो कुछ ना कुछ अनर्थ हो ही जाता है। इसलिए मेरी मानो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नौवीं शुक्रवार अर्थात 12 अप्रैल 93 को सांझ 4 बजे से 5 बजे तक का ही समय अच्छा है। उसके बाद फिर 3 महीने तक कोई योग नहीं है। सूरज हमें पंडित जी की बात मान लेनी चाहिए, हो सकता है ये ठीक कह रहे हो। बड़ी मुश्किल से तो हम मिले हैं, अब हम फिर से बिछड़ना नहीं चाहते। ठीक है पंडित जी, आप उस दिन सारी तैयारी रखिएगा, हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। बेटा खुश रहो। अच्छा किरण सुबह मुझे जल्दी उठा देना ओके। अरे जो पहले उठेगा वो दूसरे को उठा देगा, बट नो टच नो साउंड। यार ये क्या बात हुई? बस यही बात हुई समझे, अब चुपचाप सो जाओ। अच्छा बाबा। किरण जो पहले उठेगा वो दूसरे को उठा देगा, बट नो टच नो साउंड। बजने वाले थे, तुम्हें उठाना था कि नहीं, और फिर तुम्हें तो कहा था नो टच नो साउंड, ना तुम्हें टच किया और ना कोई आवाज दी। क्यों कैसा लगा मेरे उठाने का स्टाइल? बहुत अच्छा लगा, मेरी सारी नींद खराब कर दी तुमने। अरे यार किरण 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 गुस्सा छोड़ो और मेरी बात सुनो, अब मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम शाम को वहीं पर आ जाना। क्यों क्यों? आज 1 तारीख है, तनख्वाह मिलने वाली है। तनख्वाह नाम हनीफ। नाम कलवा। नाम हम रनाई, हमरे घर वाले का पगार लेवे के वास्ते आए हैं बाबूजी। तो कहाँ है वो, बुलाओ उसे। वो तो बेवड़ा पी के न जाने कौन सी गटर में पड़ा हुई है। अच्छा बाबा नाम तो होगा उसका। राम राम बाबूजी, कौनो स्त्री अपने मर्द का नाम लेके पुकारे है, लिख के दे देते। लिख के? तो तुम लिखना पढ़ना जानती हो? मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास। मैट्रिक पास और एक जाहिल गवार के पल्ले पड़ गए? ये सब नसीब का खेल है बाबूजी, वरना आमिर खान और गोविंदा जैसे हीरो हम पर मरत रहे। वैसे आप भी बहुत चग लेती हैं बाबूजी, तनिक पहले मिल गए होते तो। देखो ये बकवास बंद करो और अपने पति का नाम लिखो यहाँ पर। सूरज। अच्छा तो उसका नाम सूरज है। बदमाश इधर आ, बाकी की तनख्वाह बाद में।
सकते हैं। हम तो हैं पागल प्रेमी, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दूजे की चाहत में, एक दूजे की चाहत में हम हंस के मर सकते हैं। हंस के मर सकते हैं।
झूले पे बैठोगी? सुनो ये लो पैसे, इसे बैठने दो। झूला रुको। सूरज, झूला क्यों रोक दिया? तुम आराम से आसमान पर बैठी रहो, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ओके, नीचे आऊंगी तब बताऊंगी। आता हूँ। कब तक यूं मार मारे फिरेंगे? इतनी बड़ी बंबई में उन्हें कहां ढूंढेंगे? अबे जानता हूं कि बंबई बहुत बड़ी है, मगर मेरा इरादा भी कोई छोटा नहीं है। एक एक गली छान मारूंगा, मगर उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, समझा? तुम्हारा इरादा तो आसमान से भी। अबे ऊपर ही अटका रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? ऊंचाई पर बस देखो। ओए, लड़की को नीचे उतारो। के चक्रव्यूह से निकलना बहुत कठिन है बबुआ। तुझे तो मैं अड्डे पर ठीक करूंगा। तुझे तो अभी ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूंगा, खरचुट्टा स्टाइल में। कौन है बे तू? इस इलाके का बेताज बादशाह बादल, जो मजलूमों पर प्यार बनकर बरसता है और तुझ जैसे हरामजादों पर बिजली बनकर टूटता है। अगर तू बादल है तो हम भी पहाड़ हैं। पहाड़ से टकराएगा, पानी पानी हो जाएगा।
अरे भाग गया साला। अरे शुक्र कर पुलिस आ गई, वरना तेरे सितारे गर्दिश में आ जाते। खून? भैया आपकी आंखों में आंसू। इस जख्म को बांध के तूने मुझे मेरी बहन मीनू की याद दिला दी। इसी कलाई पर कभी वो मुझे राखी बांधा करती थी। बस गुड़िया, लड़का पसंद आता ही मैं तारीख पक्की करके आऊंगा, फिर ये सारी बस्ती देखेगी अपनी बहन की डोली में किस शान से विदा करता हूँ। अच्छा ये बता, आते हुए मैं तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं भैया, बस आप आ जाइए। अरे मैं तो आ ही जाऊंगा, लेकिन तेरे गुड्डे की फोटो के साथ। अच्छा भैया अब जाइए ना, जाओ ना। अरे इतनी जल्दी है कि धक्के देकर निकाल रही है। लो बेटा, इसी बात पर मुंह मीठा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप उसे इस घर की बहू नहीं बेटी समझे। तुम चिंता मत करो बेटे, तुम्हारी बहन राज करेगी इस घर में। धन्यवाद माँ जी, आज आपने मेरे कांधे से बहुत भारी बोझ उतार दिया। अच्छा चलता हूँ मैं। बिल्कुल अच्छा, फिक्र नहीं कर। धन्यवाद। लगता है भैया आ गए। राम राम। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बस पंडित जी खुशी की तो बात है, मीनू का रिश्ता जो पक्का करके आया हूँ। अच्छा? कैसे? अरे लाखों में एक है पंडित जी, लाखों में एक। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन दहेज कितना तय हुआ है? अरे दहेज के नाम पर तो फूटी कौड़ी नहीं मांग रहे। लड़के वाले कहते हैं कि तुम्हारी बहन साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी? अभी तो नहीं नहीं बची, टोली नहीं सची। मीनू मेरी बहन, तेरे बिना कैसे रह सकूंगा, नहीं जी सकूंगा मीनू, मैं तेरे बिना नहीं जी सकूंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा। तब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उस नाग की तलाश। भैया मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं मीनू बहन की जगह ले सकती हूँ, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप चाहें तो मुझे भी बहन कह सकते हैं।
भाई साहब, आपने आज फरिश्ते की तरह आके हमारी मदद की है। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे दोस्त, भाई भी कभी अपनी बहन पर उपकार करता है। देखो, आज इसी बहाने भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बहन दे दी। एक बहन तो खो चुका हूं, अब इसे कभी नहीं खोने दूंगा। मेरी कभी भी जरूरत पड़े ना तो अगले मोड़ पर मेरा गैराज है, बादल गैराज, याद करना मुझे। शमशान की प्यार का यह भी एक अंदाज है। तेरी जवानी ने तो हम सब की थकान मिटा दी है, मगर तू क्यों मरने पर तुली है? ऐश कर, खा पी कर ऐश कर, और हमें भी ऐश कराती रहे। रानी बना के रखूंगा तुझे, रानी। ए, खरा लगा इसे। नहीं राज, मैं मरूंगी नहीं। अब तो मुझे उस वक्त तक जिंदा रहना है जब तक उस पापी दरिंदे को उसके अंजाम तक न पहुंचा दूं, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं कुछ नहीं जानता बब्बर। दुबई की पार्टी डिलीवरी लेने के तैयार है और तुम कह रहे हो कि लड़कियां कम मर रही हैं। उनका इंतजाम करना तुम्हारा काम है। ये हमारे परमानेंट ग्राहक हैं, ये किसी भी तरह हमारे हाथ से जाने नहीं चाहिए, समझे? ठीक है, काम हो जाएगा। पढ़ो। सूरज प्लस किरण, मेरी मोहब्बत मेरा नसीबा। क्यों, कैसा लगा? तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। बहुत? बहुत मतलब कितना? बहुत मतलब बहुत। फिर भी कितना? ओह कम ऑन नाउ किरण, अब मैं कैसे बताऊं कि कितना? मैं बताती हूँ कितना। क्या? लाओ। अरे अरे, ये क्या पागलपन है? अरे क्या कर रही हो किरण, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम्हारे बदन पर जितना रबर स्टैंप आएगा मैं समझूंगी तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो। क्या बचपना है ये, चुपचाप खड़े रहो। अगर तुम हिले ना तो एक रबर स्टैंप खराब हो जाएगा, यानी तुम्हारी मोहब्बत एक बार कम हो जाएगी। तुम नहीं मानोगी ना। अच्छा लगा लो, ये लो। हो गई तसल्ली? हाँ, पागल। अब गिनती हूँ। हाँ? अरे यार, तुम्हारे गिनने में मेरी बस छूट जाएगी, और तुम तो जानती हो मुझे कितना जरूरी टेंडर पास कराना है। मेरा बॉस मुझे जान से मार देगा, साला निकाल देगा मुझे नौकरी से, मैं चलता हूँ। अरे यार, I'm getting late। एक काम करते हैं, मेरे आने के बाद जितना गिनना है जी भर के गिन लेना। तब तक तो मिट जाएगा। अरे कैसे मिटने दूंगा स्वीट हार्ट, तुम्हारे प्यार की निशानी है, दिल से लगा के रखूंगा। सच? और क्या, जल्दी आ जाना, ज्यादा इंतजार मत कराना। यूं गया, यूं आया। ओके सूरज, याद है ना अगले शुक्रवार को हमारी शादी है, उससे पहले आ जाओगे ना? अरे पागल, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं 11 अप्रैल की सुबह को यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अब मैं जाऊं, मेरी बस छूट जाएगी। अरे चलो चलो, जल्दी करो, बस छूट रही है, जल्दी करो। अरे जल्दी चलो भाई। अरे मेरी बस छूट रही है, ये लीजिए आपके पैसे। ओ भाई साहब, ओ बस वाले भाई साहब। ओए टट्टू, लोकां नूं उनके ठिकानों तक ले जाना ही अपना काम है। अगे वाहेगुरु दी कृपा। ड्राइवर बस धीरे चलाओ, मैं मेकअप कर रही हूँ। अच्छा माताजी। माताजी, माँ होगी तेरी घर वाली, मैं तेरे को माँ जैसी लगती हूँ। अरे मेरी उम्र ही क्या है, बस 20 के ऊपर एक,
कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन है, मेरी उम्र है 21 साल, जमाना गोली गोली लाल लगाम, काहे चना बोले बादाम। लड़कियों को छोड़कर बाकी सब लोग बाहर निकलो, चलो 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 चलो। तू कहाँ जा रही है? अरे बेटा, मैं तेरी माँ समान हूँ, तू मेरा क्या करेगा? चल तेरी बेटी को छोड़ दो बेटा, अगले महीने इसकी शादी है। शादी तो इसकी अब दुबई में होगी, चल। अरे तू भी चल। कीजिए, मैं पीछे से बस पे चढ़ता हूं। ठीक है। ओह गॉड, खराब साधे, बहुत वीर बनता है तू, मैं तुझे तेरी वीरता के नाम दे ही देता हूं। अबर, ये मेरा शिकार है, अगर इसे मार दोगे तो हमें उस लड़की का पता कौन बताएगा जिसे ये हमारे अड्डे से भगा कर ले गया था। सूरज प्लस किरण, मेरी मोहब्बत मेरा नसीबा, वाह मोहब्बत का क्या नया स्टाइल है। मगर एक कमी रह गई बबुआ, फुल स्टॉप की, वो हम लगाए देते हैं खरचुट्टा स्टाइल मां। क्या तेजा, तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देना तो भी मैं तुझे नहीं बताऊंगा। बबुआ, नहीं बताऊंगा। 100 हरामी मरे थे तो एक तेजा पैदा हुआ था, तू तो क्या तेजा मुर्दों की भी जबान खुलवाना जानता है। लाके मोड़े बता, वो लौंडिया कहाँ है? तेजा, मैं तुझे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं तुझे। लगता है सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा। साहब से फोन पे बात हो गई है। ले बेटा, अब आ रहा है तेरा बाप, वही तेरी जबान खुलवाएगा। उधर हरामजादे को नीचे। कुछ बताया कुत्ते के पहले? साहब जी, किसी महा हरामी की औलाद लगता है, आइए चलो। हो रहा तो ये है आपकी आन, आपकी शान, आपकी इज्जत, इसी के बल पे आप अपनी मर्यादा की दुहाई दिया करते थे। डैड, वही लोग जिनकी नजरें आपके सामने जमीन से ऊपर नहीं उठती थी, आज मुझसे पूछेंगे कि कैसे बाप के बेटे हो तुम, जो मासूम लड़कियों की इज्जत का सौदागर है, उनकी तबाही और उनकी बर्बादी का जिम्मेदार है। मुझे तो घिन आ रही है ये सोचकर कि मेरे जिस्म में जो खून बह रहा है वो मेहनत की खेती का नहीं, बल्कि जिस्मों की तलाली से उगने वाला अनाज है, जिसमें हजारों टूटे हुए सपनों की चीखें हैं, हजारों अरमान भरे दिलों की पुकार है। बंद करिए बकवास, मैं तेरे जिस्म पर खिराशे बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अपने धंधे पर आंच नहीं। आखिरी बार पूछता हूं, बता कहां है वो लड़की? इस दिल में है डैड, इस दिल में। अच्छा, तो उसको अपने दिल में ही बिठा के रखो, क्योंकि अगर तुमने उस कोठे वाली को अपने दिल से निकालकर इस घर में बिठाने की या बसाने की हिम्मत की,
तो मैं उसको ऐसी भयानक मौत दूंगा कि एक बार तो मौत भी कांप उठेगी। डैड, उसे कोठे पर बिठाने के जिम्मेदार भी आप ही हैं। अच्छा हुआ भगवान ने आपको कोई बेटी नहीं दी, वरना शायद आप उसे भी कोठे पर बिठा के उसकी दलाली खाते। शराब! कान खोल कर सुन ले लड़के, तेरी शादी होगी तो सिर्फ पिंकी के साथ। रामलाल, ले जाओ इस लड़के को और बंद कर दो कमरे में। आप मुझे इस घर में बंद तो कर सकते हैं, लेकिन किरण को आप मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। उस्ताद, शराब भी है और कबाब भी है, बस कमी है तो उस्ताद सिर्फ एक शराब की है। अरे शबाब होता तो जंगल में मंगल हो जाता, मजा आया था बॉस। क्या सोचती है पूनम, इससे अच्छा मौका भागने का फिर नहीं मिलेगा। जब भी कहीं किसी की जो लग से ये लग जाए,
कसम शमशान की, बब्बर अभी होश में है। तू क्या समझती है मैं तुझे यहाँ से भागने दूंगा? मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं? नहीं। समझ में नहीं आता बाप ने बेटे को क्यों बंद किया है। बड़ा जालिम बाप है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चाबी दो जी। आप लोग जाइए यहाँ से। क्या यार सूरज, कहाँ हो तुम? तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। जानते हो बहुत जल्दी अंकल और मम्मी हमारी शादी करने वाले हैं। रियली सूरज, आई एम सो लकी जो मुझे तुम्हारा प्यार नसीब हुआ है। देखो पिंकी, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। शायद मेरी किसी बात से तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर ये सच नहीं है पिंकी। मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की नजर से देखा है, इसके आगे कुछ भी नहीं। क्या? हां पिंकी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किरण से प्यार करता हूं। नहीं सूरज, नहीं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मगर दिल पर तो किसी का जोर नहीं ना, और मेरा दिल तो सिर्फ यही जानता है कि जीना भी किरण के साथ और मरना भी उसी के साथ। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके साथ जिएगा और कौन किसके साथ मरेगा। क्या सुन रही भाई साहब? सूरज पिंकी से नहीं बल्कि किरण नाम की किसी लड़की से शादी करना चाहता है। देखिए भाई साहब, पिंकी मेरी इकलौती बेटी है और मैंने सिर्फ उसकी खुशी के लिए आपको वो पूना वाली फैक्ट्री और 50 लाख रुपए दिए हैं। बहन जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। आपने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया है। अब सूरज तो क्या दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। अब जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए। पागल, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं 11 अप्रैल की सुबह को यहां हाजिर हो जाऊंगा। हाँ जी। हाँ देखिए, वहां किरण जी होंगी, उनको बुलाइए। जी किरण जी, आपका फोन है। हेलो। हेलो किरण। हेलो सूरज, तुम कहां से बोल रहे हो? किरण, वक्त नहीं है, तुम एक काम करो, जल्दी से जय अम्बे मंदिर पहुंचो। सूरज सब ठीक तो है ना? बाकी बातें मिलने पर बताऊंगा, तुम बस पहुंचो वहां पर। अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके। बादल भैया,
अरे आने दे साले को, आज इसी के खून से उसकी रंगाई कर देता हूँ। जल्दी चलो चलो। अब डरने की कोई बात नहीं किरण, वो कमीना अब तो नरक पहुंच गया। सूरज मंदिर के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा भैया। पंडित जी ने कहा था कि अगर आज 4 और 5 के बीच शादी नहीं हुई तो फिर जल्दी कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा। फिक्र मत करो बहन, बादल तुम्हें मुहूर्त खत्म होने से पहले पहुंचा देगा। आज तुम दोनों की शादी होके रहेगी, चलो मेरे साथ। बादल भैया आप? बातों का वक्त नहीं है सूरज, मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन भैया ये खून? सूरज, अगर बहन के माथे पर सिंदूर देखने के लिए एक भाई का थोड़ा बहुत खून बह जाए तो कौन सी बड़ी बात है। आओ पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगल ये शादी नहीं हो सकती। सेठ, ये शादी होके रहेगी। इस भाई के होते हुए देखता हूँ कौन माई का लाल ये शादी रोक सकता है। खामोश। शादी तो होगी मेरे बेटे की, मगर इसके साथ, उस कोठे वाली के साथ नहीं। सेठ, मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो जबान जबड़े समेत उखाड़ कर फेंक दूंगा। और तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, किसी ने दखल अंदाजी की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, समझे? तुम अपने अंजाम की फिक्र करो, पकड़ो रामजादे को। सेठ, जिनके इरादे फौलाद के होते हैं वो इन खिलौनों से नहीं घबराते। शराफत से फेरे हो जाने दे, वरना तेरी शैतानी खोपड़ी की धज्जियां उड़ा दूंगा। पंडित जी, शादी की रस्म पूरी कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि एकदंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायके सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायके ओम गजानन भूत गणादि सेवितम। तेजा, तू जिंदा है? मौत को भी कोई मार सका है जो तू मारेगा? तू मेरी नाक कटवाना चाहता था समाज में? ले जाओ इस लड़की को। नहीं, नहीं। तुझे शादी करने का बड़ा शौक है ना दुल्हनिया, चल तुझे सुहाग रात की ऐसी रिहर्सल कराता हूँ कि दोबारा दुल्हन बनने का ख्वाब नहीं देखेगी। चल चल चल
किया तुमने? कुछ नहीं होगा तुमको। I love you, सूरज। पिंकी, पिंकी। उसके बाएं हाथ की कलाई पर लाल भाले का नाम। रामजादे, मेरी बहन मीनू के कातिल, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन यही खंजर तलवार बनकर तेरे सीने के पार होगा। भैया, अरे तुम्हारा बाप हैवान हो चुका है, जाओ, मैं कहता हूँ जाओ। नहीं भैया, हम आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें तुम्हें मेरी कसम है, जाओ। नहीं, मैं कहता हूँ जाओ, ऐसे जाओ, जाओ, जाओ। Thank you.
देखेगा कमीने? चारों तरफ तेरी अपनी ही लगाई हुई आग ज्वालामुखी बनकर खड़ी है। औरत को कमजोर मत समझना। परसों तूने हमारे अरमानों की चिता जलाई है और आज आज हम तेरी चिता जलाएंगे और भस्म होगा तेरे जुल्म और अत्याचार का इतिहास। हॉस्पिटल ले चलते हैं सूरज। अब मेरे जाने का वक्त आ गया सूरज। मैं जीते जी मीनू के सपने साकार नहीं कर सका। अब दोनों को एक होते हुए देखना चाहता हूं। नहीं भैया, खुश भैया दीदी, सब लड़कियां आजाद हो गई, सिर्फ एक कैदी बाकी रह गया है। क्या इसकी तकदीर में खुला आसमान नहीं है दीदी? नहीं सूरज, पिंजरे में रहने वालों का दर्द मैं खूब जानती हूं। लाओ लाओ इसे आजाद कर दे, क्योंकि आजादी पर सबका अधिकार है। पागल दीवाना आशिक आवारा। पागल हूँ दीवाना हूँ आशिक हूँ आवारा। Good day.